हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यदन ठाकुर। टुडे इलेवन स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क में दिया था आपको। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 ABCD इज अ रेक्टेंगल in which diagonal CC bisect angle A as well as angle C, so that ABCD is a square। second prove करना है diagonals BD bisect B as well as D। इस तरीके से आपको first of all prove करना है। questions में ABCD आपको rectangle दिया गया है and AC जो है वो angle A और angle C को bisect कर रहा है। इतनी चीजें आपके पास है question number 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 और रेक्टेंगल शेप दिया है, उसको आपको स्क्वायर प्रूव करना है। ये जो दो एंगल है वो आपको इक्वल दिए गए। एंगल ए एज वेल एज एंगल बी, ऐसा आपको बाइसेक्ट कर ऐसा लिखा है। तो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो वो लिखते हैं AB इक्वल टू CD होगा एंड BC इक्वल टू AD होगा। उसके बाद अल्टरनेट एंगल भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे दिया गया है डायगोनल AC बाइसेक एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। देयरफॉर एंगल DAC एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर पूरा एंगल भी लिख सकते हो। एंगल के एंगल ए के हमने यहाँ पे दो पार्ट्स लिखे, उसी तरीके से एंगल सी के दो पार्ट्स लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो उसके लिए BCA इज इक्वल टू ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। नाउ अल्टरनेट एंगल आप यूज कर सकते हो बिकॉज साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू इच अदर। तो ये आपको एक जेड शेप दिखाई दे रहा है, यहाँ से दूसरा जेड शेप दिखाई देगा, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो वहां पे लिखते हैं AB AB पैरेलल टू CD AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल BAC जेड शेप इज हियर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA अल्टरनेट एंगल DAC। नाउ जो एंगल आपका DCA है फर्स्ट एंगल, BAC यानी कि ये एंगल प्लस DCA यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, तो उसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये कैसे लिखा है यहाँ पे, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल था, बट ये जो एंगल है यानी कि आपका BAC जो एंगल है वो किससे इक्वल होगा, तो ये उससे इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल की जगह पे हमने DAC लिख दिया। यहाँ पे DAC ये आपके लिए नया लिखा। सो
एंड एक्स, सो ये दोनों एंगल आपको इक्वल मिले। सो इन ट्राइंगल डी ए सी एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये जो ट्राइंगल है उसमें आपको ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल मिल गए। एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये एंगल के ऑपोजिट साइड डी सी, ये एंगल के ऑपोजिट साइड ये, देयरफॉर बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल व्हेन ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, जो ऑपोजिट साइड होगी वो इक्वल होगी ऑपोजिट एंगल से। तो ये तो हमारा रूल सी अपना नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही सीख के आए हो। तो ये हुआ, देयरफॉर ए डी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए डी और सी डी दोनों इक्वल मिल गए, तो आपको इनडायरेक्टली ऐसा हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि यहाँ पे देखो ए डी है एंड सी डी दोनों इक्वल साइड है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इस तरीके से आपको चार साइड यानी कि टोटल फोर साइड इक्वल हो गई। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है, और इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपके स्टार्ट स्टेटमेंट प्रेजेंट है क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए। तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, इस तरीके से प्रूव हो गया। अब हमें सॉल्व करनी है कि एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक करता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेटमेंट, अ ट्राइंगल बी सी डी बी सी इज इक्वल टू सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ये दो ट्राइंगल्स में हमने ये दो साइड इक्वल ली, बी सी का ऑपोजिट एंगल होगा ये, सी डी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल बी। तो ये लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी डी आर अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इन अ जेड शेप इट मीन्स अल्टरनेट एंगल एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी अल्टरनेट एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज बी डी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन, देयरफॉर सी डी बी एंड ए बी डी दिस एंगल आर अ अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर सी डी बी इज इक्वल टू ए बी डी, बट एंगल डी एंड एंगल बी आर इक्वल, देयरफॉर एंगल सी बी डी इज इक्वल टू ए बी डी, बिकॉज यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की वजह से एंगल दोनों इक्वल हुए, बट जो एंगल डी है उसकी जगह पे आप एंगल बी लिख सकते हो, बिकॉज दिस टू साइड्स आर इक्वल, सो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर सी बी डी इट मीन्स एंगल सी बी डी इज इक्वल टू ए बी डी, these two angles are equal. Now angle B means what? So angle ABC is a addition of two angle, first angle angle CBD plus angle DBA, whole angle is made of two part, first of all CBD and ABD, angle B जो है वो आपको दो parts में divide करता है, इन दोनों पार्ट्स का एडिशन करेंगे तो आपको होल एंगल बी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंड दिस राइट एंड लेफ्ट साइड,
Now we know that ABD plus this two angle, it means angle CBD is equal to angle ABD. So we can written as a angle CBD is equal to angle ABD is equal to half of angle ABC. It means half of angle ABC, these two parts are equal, therefore half of angle ABC given these two parts. So similarly we prove that angle D bisect as well as angle B bisect diagonal BD. Question number 9. In a parallelogram ABCD, two points P and Q are taken on a diagonal BD. Such that DP is equal to BQ. Question 9 and question 10. Nine questions are long, so start with question number 10. The nine questions are solved in next lecture. Question number 10. ABCD is a parallelogram. So in figure 8.21, AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on a diagonals BD. Parallelogram, therefore opposite sides are equal and parallel to each other. Now BD is a diagonals. And draw a diagonals at point A, so intersect point P on BD and next in point C, draw diagonals, so intersect diagonal on point Q. A parallelogram ABCD, AB parallel to CD and BD is a diagonal. So transversal of these two parallel line, therefore Z shape are created, it means alternate angle are created. So angle ABD is equal to angle CDB alternate angle. Now this point D, ABD are extended only from P. So ABP in similar way, CDB extend only P. So C
डी क्यू. नाउ in this triangle AB is equal to CD, equation 1, equation 2, and last angle APD is equal to angle CUQ is equal to 90 degree, equation number 3. So in this equation we can say that ABP congruence to triangle CQD, these two triangles are congruence by using angle and side theorem. It means two angles are equal and one side are equal, therefore angle side angle theorem and using CPCT theorem, second statement, AP is equal to CQ. First and second part here completed. So next lecture, you have to solve next question. Thank you, friends.